हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज्यादा यूनिक या कह लीजिए बिल्कुल नई रेसिपी। जो लोग अनुपमा सीरियल देखते हैं वो लोग तो देख के ही समझ गए होंगे मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, कीटू बर्गर, वो भी बिल्कुल अनुपमा जी की स्टाइल में। इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसमें हम किसी तरह की न कोई ब्रेड या बर्गर बनाने वाला पाव या बन किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। है ना अमेजिंग रेसिपी, मतलब हम बिना ब्रेड के भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर बना सकते हैं, वो भी पूरी तरह से हेल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम एक शिमला मिर्च को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको निकाल देंगे, फिर जो शिमला मिर्च के अंदर बीज होते हैं उन्हें भी सारे निकाल देंगे, मतलब हम शिमला मिर्च को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। फिर इसकी हम पतली पतली सी स्लाइस काटेंगे, ना बहुत ज्यादा मोटी काटनी है ना बहुत ज्यादा पतली। फिर एक प्याज को भी हम उसी तरीके से काटेंगे, प्याज की भी हम पतले पतले से स्लाइस काट लेंगे, बहुत ज्यादा मोटे स्लाइस बिल्कुल मत काटिएगा वरना वो खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। उसके बाद हम खीरे को भी पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। फिर हम पनीर को भी काटेंगे, पर पनीर को हम पतले स्लाइस में बिल्कुल नहीं काटेंगे, पनीर को हम मोटे पीसेस में कट करेंगे, मतलब सारी चीजों को हम टिक्की के साइज में ही काटेंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर, टमाटर को भी हम उसी तरीके से काट लेंगे पतले पतले स्लाइसों में। यहाँ पर सारी चीजों को मैंने काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग आधा किलो उबले हुए आलू, आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर देंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठली ना रहे। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, दो चम्मच उबली हुई हरी मटर, चार से पांच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इस चटपटे आलू के मसाले से टिक्कियां बनाएंगे। टिक्की आप अपनी मनपसंद से छोटी बड़ी मोटी पतली कैसी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। वैसे तो परफेक्ट साइज टिक्की का यही होता है। यहाँ पर सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। हरी मटर डालने से खाने में तो ये अच्छी लगती हैं, बट देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। फिर हम टिक्कियों को सैलो फ्राई करेंगे। फिर यहाँ पर किसी तवे या पैन पे थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा लीजिए, बटर को पूरे पैन में अच्छे से अप्लाई कर देंगे। फिर एक एक करके सारी टिक्कियों को इसमें रख देंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं चार टिक्की रखूंगी और बचे हुए पैन के साइड में हम पनीर को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। यदि आपका तवा या पैन छोटा है तो आप इसको बाद में भी सेक सकते हैं। पनीर को ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, सिर्फ दो मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा सेकने से ये थोड़ा सा रबड़ जैसा हो जाता है, इसलिए पनीर को मैं दोनों साइडों से एक एक मिनट के लिए सेकूंगी। दो तीन मिनट बाद हम टिक्कियों के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। जब तक बटर हमारा मेल्ट होगा तब तक हम पनीर को दूसरे साइड की तरफ से पलट देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर में बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर आया है। एक मिनट बाद हम टिक्कियों को भी पलट देंगे।
यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम में बिल्कुल भी ना इन्हें फ्राई करें, वरना ये बहुत जल्दी ऊपर से फ्राई हो जाएंगी, जिससे टिक्कियों का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर हम डीप फ्राई तो कर नहीं रहे हैं, बहुत ही कम बटर के साथ शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें प्रॉपर तरीके से सेक लेंगे। पनीर यहाँ पर अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। फिर हम साइड में जैसे पनीर को शैलो फ्राई किया है, वैसे ही शिमला मिर्च की स्लाइस को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट बाद हम स्लाइसों को दूसरी साइड से भी पलट देंगे और साथ में हमारी टिक्कियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। टोटल सारी चीज़ों को सेकने में हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं। चलिए हम ब्रेड भी तैयार कर लेते हैं, मतलब पत्ता गोभी। यहाँ पर हम बर्गर बना रहे हैं, सारी चीज़ों को फिल करने के लिए कुछ तो चाहिए ही, है ना। बहुत ज़्यादा हेल्दी और अमेजिंग सी ब्रेड। पत्ता गोभी के ऊपर के जो पत्ते होते हैं उन्हें बहुत आराम से हम निकाल लेंगे। आपको जितने बर्गर बनाने हो उस हिसाब से आप पत्ते निकाल लीजिए। फिर हम पत्ते को बीच से कट कर लेंगे और पत्ते के एक हिस्से में सॉसेज लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर तंदूरी सॉस लगा रही हूँ, आपके पास जो भी सॉस हो वो भी लगा सकते हैं। फिर सॉस के ऊपर हम एक टिक्की को रखेंगे, उसके ऊपर हम कैप्सिकम की एक स्लाइस को रख देंगे, फिर हम एक प्याज की स्लाइस को रखेंगे, एक टमाटर की स्लाइस को, उसके ऊपर एक खीरे की स्लाइस को, ऊपर से हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि सारी सब्जियों में नमक तो है नहीं। फिर ऊपर से हम पनीर के एक पीस को रख देंगे, पनीर के ऊपर मेयोनीज को लगा देंगे, ऊपर से फिर मैं एक आलू की टिक्की को रख दूंगी, आप चाहें तो पनीर को भी रख सकते हैं। फिर हम तंदूरी सॉस और केचप को भी लगा देंगे, आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं लगाया। फिर आधा कटा हुआ जो पत्ता हमारा बचा था उसको भी हम ऊपर से कवर कर देंगे। बन गया ना हमारा मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लूँगी। सेम पैन में थोड़ा सा बटर लगा के इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। बस इन्हें पलटना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आप बहुत आसानी से इसे पलटें। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं और सॉसेस को भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाइए। 2 मिनट फ्राई किया है, लीजिए बनके तैयार है हमारा टेस्टी सा बर्गर। लग रहा है ना देखने में बिल्कुल टेम्पटिंग। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।